अस्सलाम वालेकुम। हमें जो वेबसाइट असाइन की गई थी उसका नाम है सांबा बैंक लिमिटेड, और इसमें मेरे क्लास फेलो हैं। उनके रोल नंबर हैं 26, 29, 31, 053। और दूसरे सेक्शन की, दूसरे अपने ग्रुप की जिनकी हमने डिजाइन की थी पीपीटी, पीपीटी नहीं, उनकी हेरिस्टिक एवेल्युएशन जो हमने सॉल्व की थी, उनके ग्रुप मेंबर्स के रोल नंबर हैं 16, 21, 35, और उनके बैंक का नाम था हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जिसकी हमने हेरिस्टिक एवेल्युएशन की थी। और अपनी वेबसाइट की जो रीडिजाइनिंग हमने की थी उसमें विजिबिलिटी सिस्टम, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में ये था कि वो वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट थी सांबा बैंक, वो विजिबल थी दूसरे यूजर्स के लिए, वो इजीली उसको यूज कर सकते थे। कस्टमर इजी से जो कुछ भी सर्च करना चाहते थे इजीली उसको सर्च कर सकते थे। सेकंड पॉइंट में ये था मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि उस वेबसाइट में, सांबा बैंक वेबसाइट में जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो थी इंग्लिश और उर्दू, जो कि दूसरे यूजर्स, सब यूजर्स के लिए बहुत इजी था मैनेज करना उसको, यानी कि उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते थे इनमें। उसको थर्ड पॉइंट, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, इसमें ये था कि यूजर्स को इस बात की फैसिलिटी दी गई थी कि अगर वो कुछ रीडू या अनडू चाहता है, मे बी मतलब कि अगर उसने कोई ऐसा काम किया है कि जो वो नहीं करना चाहता था, वो बैक जाना चाहता है, तो वहाँ इस वेबसाइट में अनडू का ऑप्शन भी था। अगर उसने गलत इन्फो ऐड कर दी है, फॉर एग्जाम्पल लॉग इन करते हुए या अकाउंट क्रिएट करते हुए अगर उसने गलत इन्फो अपनी ऐड कर दी है, तो वहाँ मैसेज मिल जाता था कि आपने ये इंफॉर्मेशन अपनी गलत एंटर की है, प्लीज रीसेट इट। उसमें फोर्थ पॉइंट में आ जाता है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, जिसमें ये था कि ये वेबसाइट कंसिस्टेंस थी, इसमें जो वर्ड यूज किए गए थे वो सूटेबल हैं, यानी कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है सबके लिए, यूजर्स अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज करके इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉइंट फाइव, एरर प्रिवेंशन। फिर वही बात आ रही है कि इसमें, इस वेबसाइट में ये फैसिलिटी मौजूद थी कि अगर यूजर अपनी आईडी पासवर्ड रॉन्ग एंटर करता है तो उसको ये फैसिलिटी दी जाती थी कि वो अपनी इन्फो करेक्ट एंटर करे, उनको एक अलर्ट मैसेज दिया जाता था कि आपने अपनी आईडी या पासवर्ड गलत एंटर किया है तो आप इसको चेंज करें। सिक्स पॉइंट, रिकॉग्निशन रदर देन रिकॉल, इसमें यह है कि इस वेबसाइट में कुछ आइकन ऐसे हैं जो कि यूजर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में फुटर में जो आइकन्स दिए गए थे उनमें कुछ आइकन्स थे जो कि इजीली एक्सेसिबल थे, एक आइकन था जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं था, जिनको हमने चेंज किया, जो कि जिसको चेंज करने की जरूरत थी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, ये वेबसाइट फ्लेक्सिबल थी, इजी टू यूज थी, यानी कि कोई भी यूजर इसको इजीली यूज कर सकता था। इसमें नेविगेशन बार दी गई हुई थी और नेविगेशन बार से वो इजीली किसी भी पेज पे जाके इजीली इसको असेस कर सकता था, किसी भी पेज पे जाके वो किसी भी लिंक को असेस कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे है तो वो पर्सनल इन्फो के पेज पे भी उसी पेज से डायरेक्ट असेस कर सकता था, इजीली असेसिबल था। पॉइंट एट, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन,
इसमें ये है कि ये इसका कंट्रास्ट अच्छा है इस वेबसाइट का, लेकिन इसमें लिंक्स बहुत ज्यादा हैं। यूजर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि इतने ज्यादा लिंक्स इसमें क्रिएट किए गए हैं। शॉर्ट लिंक्स भी हैं, सब लिंक्स भी हैं, लेकिन ये है कि हमने कुछ लिंक्स को, सब लिंक्स को रिमूव किया ताकि यूजर जो है वो इजीली एक लिमिट में रहे। इस वेबसाइट का एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें स्मॉल सैम्पल्स, स्पेशल सैम्पल्स जो हैं वो यूज नहीं किए गए, कि कुछ यूजर्स जो हैं वो स्पेशल सैम्पल्स के बारे में नहीं जानते, तो फिर वो उनके लिए उन वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये इजी असेसिबल है, इजी अंडरस्टैंडेबल है कि यूजर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक थिंग चीज़ें यूज नहीं की गई के जो के यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि यूजर्स जो है वो होम पेज पे एक ऑप्शन दिया गया है, हाउ मे वी हेल्प यू। यूजर्स जो है वो अपनी अपने क्वेश्चंस के मुताबिक इसमें अपना क्वेश्चन ऐड कर सकता है, वो किस बारे में जानना चाहता है। फुल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है इस वेबसाइट की, कि कौन सा काम किस जगह पे हुआ और कैसे होना चाहिए था, कैसे हुआ है। फुल डॉक्यूमेंटेशन इस पेज से मिल जाती है। ये थी हमारी वेबसाइट की हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन जो कि हमने की थी। हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन के बाद जो हमने सामा बैंक में चेंजेस करना चाहिए, जो हमें फील हुआ कि इसको चेंजेस करने की ज़रूरत है इसमें, तो उसमें सबसे पहले ये था कि हमने सेलेक्ट लैंग्वेज का जो ऑप्शन है यहाँ, वहाँ हमने जब हम क्लिक करते थे तो वहाँ सिर्फ उर्दू लैंग्वेज का कीवर्ड आता था, लेकिन हालांकि जब हम इसको चेंज उर्दू में करते थे तो उसके बाद सेकंड दफा क्लिक करने के बाद वो इंग्लिश का कीवर्ड भी ऐड करता था। हमने इसको फर्स्ट क्लिक पे ही ऐड करना चाहा है, हमने इसको फर्स्ट क्लिक पे ऐड किया है ताकि यूजर्स को फर्स्ट टाइम ही पता चल सके कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट नेविगेशन बार से हमने कॉन्टेक्ट अस को रिमूव करके सेकेंड नेविगेशन बार में ऐड किया है, और सांबा केयर को हमने कॉन्टेक्ट अस के नाम से रीनेम कर दिया है, क्योंकि जब हम सांबा केयर पे क्लिक करते थे तो वो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाता था, लेकिन यूजर्स के लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं था। और फुटर फुटर के राइट साइड कॉर्नर पे सेकंड आइकन था, जो वो डबल आइकन था, और यूजर्स के लिए वो अनअंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि जब हम एक साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ था और दूसरी साइड पे आइकन था, वो था एक ही आइकन लेकिन वो सेपरेटली शो होता था। जब हम दो दफा उस पे क्लिक करते थे तो वो सेपरेटली एक ही पेज पे जाता था। हमारे लिए भी ये कंफ्यूजन थी कि शायद ये डबल लिंक्स हैं और हम इसको रिमूव करना चाह है, इसकी जगह या तो हम आइकन यूज करेंगे या फिर टेक्स्ट यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर्सनल बैंकिंग में जो हमने चेंजिंग करना चाहिए वो ये है, जो हमने चेंजिंग की है वो है 1.2 और 1.7 का जो डाटा था, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, हमने उसको जस्टिफाई किया है, उसको जस्टिफाई की जरूरत थी। सांबा गोल्ड में हमने कोई चेंजिंग नहीं की। कमर्शियल एंड एसएमई बैंकिंग, इसमें हमने जो चेंजिंग की है वो ये है कि 3.2.1 इसमें जो सब लिंक थे ना, हमने उसको रिमूव किया, उनको ज्यादा नेक्स्ट पेजेस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनमें बहुत शॉर्ट सा डाटा ऐड किया गया था जिसको नेक्स्ट पेजेस की जरूरत नहीं थी। अगर उनको उसी पेज पे सेट किया जा सकता तो वो भी बेहतर था, और हमने उसको उसी पेज पे सेट किया है क्योंकि ज्यादा लिंक्स जो है वो यूजर्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं।
उसके बाद 3.4.1 पे जो लिंक था वो वर्क नहीं कर रहा था, हमने उसको अपडेट किया है, और 3.7.1 पे जो था हमने उसको रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, हमने उस लिंक को भी उसी पेज पे सेट किया है। कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसमें भी 4.3.1 और 4.3.2 में जो सब लिंक्स दिए गए थे उसको हमने रिमूव करके उन्हीं पेज पे 4.3 और 4.4 पे सेट किया क्योंकि उनको भी नेक्स्ट सब लिंक की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब लिंक्स जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसलिए हमने उनको रिमूव कर दिया। ग्लोबल मार्केट्स, इसमें था 5.2.1 और 5.2.2, इसमें भी जो नेक्स्ट सब लिंक्स लगे हुए थे हमने उनको रिमूव करके 5.1 पे ही सेट किया है, और 5.2 पे जो कतर का लिंक था यानी कि कॉन्टेक्ट अस में जो इसमें डिफरेंट कंट्रीज की बैंक का भी लिंक दिया गया है, और कतर कंट्री का जो लिंक था वो वर्क नहीं कर रहा था, हमने उसको अपडेट किया। उसके बाद 5.3 पे जितने सब लिंक्स थे हमने उन सबको रिमूव किया है, और 5.5 में भी जितने सब लिंक्स थे हमने उन सबको रिमूव करके एक ही लिंक्स में यानी कि 5.5 में ही सेट किया है। अबाउट अस, इसमें 6.1.4 में सांबा लिंक जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, हमने उसको अपडेट किया है, और पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स का जो लिंक था उसको हमने सब लिंक बनाया, वो एक सेपरेटली न्यू लिंक बन रहा था यानी कि उसको न्यू लिंक की जरूरत थी, वो उस पेज पे उसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की हुई थी, काफी ज्यादा डाटा मर्ज किया हुआ था एक ही पेज पे, इसलिए हमने उसको न्यू पेज में ऐड किया। और 6.4.3 में जो डिफरेंट पर्सनालिटीज का डाटा यानी कि इनकी हिस्ट्री ऐड की गई थी, उनमें तैमूर पाशा की जो हिस्ट्री थी यानी कि उनके अबाउट जो डाटा ऐड किया गया था उस जो टेक्स्ट था उसको जस्टिफाई की जरूरत थी, हमने उसको जस्टिफाई किया। 6.4.4 में जो टेक्स्ट डाटा था उनके भी सब लिंक्स को अपडेट करने की जरूरत थी, हमने उनको भी अपडेट किया है, और 6.4.7 में जो टेक्स्ट था उसको भी जस्टिफाई की जरूरत थी, हमने उसको भी जस्टिफाई किया। कॉन्टेक्ट अस पेज, हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, ना ही इसको चेंजिंग की जरूरत थी, हमने बस इसको नेविगेशन बार वन से कट करके नेविगेशन बार टू में ऐड किया है, क्योंकि नेविगेशन बार वन में क्योंकि यूजर्स जो है वो ज्यादातर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि हम अट्रैक्ट होगा, इसलिए हमने कॉन्टेक्ट अस को वहां से रिमूव करके इसमें ऐड कर दिया है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी चेंजेस जितनी भी हैं वो सारी होम पेज जैसी ही है। लास्ट पे आ जाता है एनआरपी सर्विसेज, इसमें सारे लिंक्स अच्छे से काम कर रहे हैं, सारा डाटा अच्छे से मॉडिफाई किया गया है, टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं था जिसको हमने जस्टिफाई किया है, बाकी इसमें भी जितने चेंजेस हैं वो सारी होम पेज जैसी ही हैं। और सबसे बड़ा जो फॉल्ट इसमें था वो ये था कि सबसे बड़ा फॉल्ट था जो वो इस वेबसाइट में वो ये था कि यहाँ होम पेज की फैसिलिटी नहीं थी, और जहाँ हमने सांबा बैंक का लोगो लगाया है हमने वहां लिंक लगा, हमने होम पेज का लिंक लगा दिया है कि अगर यूजर जो है वो होम पेज पे जाना चाहता है तो वो सांबा बैंक के लोगो पे क्लिक करे तो वो होम पेज पे चला जाएगा, किसी भी पेज से वो होम पेज पे चला जाएगा। ये थी हमारी इवैल्यूएटेड वेबसाइट, थैंक यू सो मच।